हेलो क्लास टेंथ, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज एक्सरसाइज 14.3 हम मीडियन कर रहे हैं कॉन्टिन्यू में, उसका क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। तो रीड करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। बोलता है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी। सो 100 पॉलिसी करता है, 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन एज करना है कैलकुलेट। और वो बोल रहा है, persons having age 18 year onwards less than 60, तो जिनकी पॉलिसी करता है वो 18 ईयर से शुरू होकर 60 ईयर से लेस रहते हैं, उनकी पॉलिसी करता है। ठीक है, तो इसका टेबल देखते हैं हम। ये इसका टेबल है। एक बात इसमें समझने वाली है, वो बात ये है, एक तो ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है। ठीक है, इसका ग्रुप्ड डाटा हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि बिलो 20 लिखा है। तो बिलो 20 कितना 20 हो सकता है? तो क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बताया है कि 18 ईयर से शुरू होके, तो हमें पता चल गया कि 18 टू 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हमें पता चल गया कि बिलो 20 में हमने ग्रुप कहाँ से बनाना है, 18 टू 20 बनाना है। ये बात क्लियर हो गई। अब वो बोल रहा है 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि इसको टोटल करोगे तो 100 आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर आप टोटल करोगे तो 100 नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो 100 है वो हमारी CF है। ठीक है, ये 100 हमारी CF है। CF का एंड वाली टर्म मैंने पिछले दो क्वेश्चंस में आपको कराया था कि CF की एंड वाली टर्म जो होती है ना, वो बन जाती है उसके इक्वल टोटल के। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर ये रहा ये वाला CF में एंड वाली टर्म फ्रीक्वेंसी की टोटल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 100 नहीं हो सकता, इनको टोटल करके आप इसको टोटल करोगे ना तो 100 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए 100 जो है हमारी CF है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व में देखो। मैंने ये बना लिया है टेबल जो गिवन वाला था। ठीक है, अब हमें एक्चुअली में टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन में हमें दिया, यहाँ 20 दिया था, तो हमें पहले एज निकालनी पड़ेगी 18 टू 20, क्योंकि 18 ऑनवर्ड्स उसने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन में 18 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 35 टू, सॉरी 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, और 50 टू 55, और 55 टू 60 बन गई है एज 60 तक। ये वाली टर्म्स देखो यहाँ आपको मिल जाएगी, और बिलो वाले नंबर हमने यहाँ लिख दिए, तो ये ग्रुप डाटा बन गया। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी क्योंकि हमें ये पता चल गया था यहाँ पर टोटल है, ये CF वाली टर्म है, तो यहाँ हमारी ये CF वाली टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है फ्रीक्वेंसी के लिए, एफ के लिए हमें क्या करना है, एफ के लिए हमें क्या करना है, हम माइनस करेंगे। अभी तक हम प्लस करते आ रहे थे ना, अब हम एक एक नंबर माइनस करते चले जाएंगे। टू को यहीं लिखेंगे, इस वाली टर्म में से इसको माइनस कर देंगे, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, आप देखो 6 - 2 = 4, 24 - 6 = 18, 45 - 24 = 21, 78 - 45 = 33, और 89 - 78 = 11, और 92 - 89 = 3, और 98 - 92 = 6, और 100 - 98 = 2। अब इन सबको आप टोटल करोगे ना तो यहाँ मेरा 100 आएगा। ये देखो फ्रीक्वेंसी और कॉमुलिटी हमारी सेम हो गई, हो गई ना सेम। ये था, हमने चेक करा। अब हमें स्टेप बाय स्टेप वही करना है, फाइंड CF, CF फाइंड करना है, हमने ये CF फाइंड कर लिया।
सेकेंड स्टेप में एन अपॉन टू निकालना है, जो हमारा एन था वो 100 आता है, तो एन अपॉन टू निकालने के लिए इक्वल्स टू 100 अपॉन टू इक्वल्स टू 50, तो ये मेरा एन अपॉन टू हो गया। थर्ड स्टेप में वो बोल रहे हैं मीडियम क्लास जो आई है, जो हमारी 50 आई है, उससे बड़ी वैल्यू, उसकी जो इसकी जो है बड़ी वैल्यू वो मीडियम क्लास हो जाएगी, तो 35 जो है 50 से बड़ी, तो 50 से बड़ी कौन सी होगी, 78 वाला ब्लॉक जो है मेरा, वो मेरा मीडियम क्लास निकालेगा। कर लिया मैंने सर्कल, अब यहां पर आ गई मेरी मीडियम क्लास 35 to 40, मीडियम क्लास 35 to 40, ये मेरी अपर लिमिट, ये मेरी लोअर लिमिट। साथ में मैं एच निकाल लूंगी, दोनों को माइनस कर दूंगी, तो मेरी एच आ जाएगी 5, ठीक है। और यहाँ पर लोअर लिमिट एल, लोअर लिमिट क्या है 35, और एच मैंने निकाल ली है, सीएफ के ऊपर वाली टर्म 45 के, सीएफ के ऊपर वाली टर्म जो है मेरी 45 है, इससे ऊपर वाली टर्म जो मेरी सीएफ बन जाती है, सीएफ मेरी आ गई 45, और क्या बचा अब लास्ट में फ्रीक्वेंसी, तो इसी की ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे, फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी 33, एफ मेरी आ गई 33। जैसे जैसे मैंने आपको ये स्टेप लिखे है ना, वैसे वैसे ही आप ये निकालते जाओगे, आपकी गलती होनी ही नहीं है, बस अब फॉर्मूले में डाल दो, एल मेरा 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 मल्टीप्लाई बाय एच, 35 प्लस, दोनों को सॉल्व किया तो 533 मल्टीप्लाई एच मेरा 5 है, ठीक है। और यहां पर 35 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 33 और 25 है ये, ठीक है। और यहां पर सॉल्व करती हूँ तो मेरी ये 35, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो प्लस डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आएगा मेरा डिवाइड करके 0.757, और जब इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 35.757, मेरा आंसर आ गया, जो मेरी मीडियन वैल्यू बोल सकते हो आप। क्वेश्चन 3 ऐसे करना था, सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे जैसे स्टेप लिखे हैं वैसे वैसे ही करना है, क्वेश्चन आपको एक दो बार करके देखने पड़ेंगे ये मीडियन वाले, तभी आपके लिए इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। If you have any doubt, again, I am telling you, कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज जरूर करना। I will clear your, take care from your Dovinder Kaur.